एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th इंग्लिश की स्टोरी द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में जापान में एक वृद्ध दंपति रहता था जिनका एकमात्र पालतू कुत्ता था जिसका नाम मूको था। कोई भी संतान ना होने के कारण वे इससे ही प्यार करते थे और वे इसे ही अपने बच्चे की तरह मानते थे। मूको खाने के समय एक बिल्ली की तरह बैठ जाता था और दंपति उसे अपनी चीनी कांटे से मछली खिलाते थे और उबले हुए चावल भी देते थे। इस प्रकार वह उसका इलाज कर रहे थे क्योंकि वह एक गूंगा जानवर था और मूको भी उनकी रक्षा करता था क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करता था। बूढ़ा आदमी चावल की खेती करता था। वह रोज़ सुबह कुदाल लेकर खेत में जाता था और सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता था। कुत्ता भी हर दिन उसके पीछे खेत में जाता था और उसने सफ़ेद बगुले को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, जो कीड़े के लिए बूढ़े आदमी के नक्शे कदम पर चलता था क्योंकि वह दयालु और धैर्यवान था। एक दिन कुत्ता दौड़ता हुआ अपने बूढ़े मालिक के पास आया। कुत्ते ने अपने पंजे बूढ़े आदमी के टांगों के बीच में डाल दिए और अपने सिर से वह पीछे किसी जगह की ओर इशारा करने लगा। पहले तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि कुत्ता खेल रहा है, पर कुछ मिनटों तक जब वह रोता रहा और दौड़ने लगा तो बूढ़ा आदमी ने भी उसका पीछा किया। कुछ दूरी में पहुंचकर कुत्ता एक जगह पर रुक गया और वहां की जमीन को खोदने लगा। बूढ़े आदमी को शक हुआ तो उसने भी अपनी कुदाल निकाली और वह भी जमीन खोदने में लग गया और सामने सोने के ढेर को देखकर वह चौंक गया। वह वृद्ध दंपति अब अमीर हो गए थे। फिर उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा और इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों की सहायता की। उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी भी रहते थे। वे कुत्ते और अन्य जानवरों के प्रति संवेदनहीन थे। जब भी वे किसी के घर के आगे से गुजरते थे तो वो कुत्तों को मारते थे और डांटते थे। अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य की बात सुनकर उन्होंने कुत्ते को भी अपने बगीचे में बुलाया और उसे खाने के लिए मछली और स्वादिष्ट चीज़ें भी दी ताकि वह उसके लिए खजाना ढूंढ सके। पर कुत्ता बहुत डरा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि वह अपनी जगह से भी नहीं हिला। फिर उस दुष्ट दंपति ने कुत्ते को घसीटते हुए हाथ में कुदाल लेकर दरवाजे से बाहर ले गए। वह बगीचे में एक देवदार के पेड़ के पास पहुँचे और दुष्ट दंपति ने कुदाल से जमीन को खोदना शुरू किया जिस जगह पर कुत्ते ने जमीन को खोदा था। लेकिन उन्हें वहां पर एक मरी हुई बिल्ली मिली जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। उन्होंने कुदाल को नीचे फेंक दिया और अपनी नाक बंद कर ली। इसके बाद वे कुत्ते पे बहुत भड़क गए। उन्होंने गुस्से में आकर कुत्ते को मार दिया और बूढ़ी औरत ने तेज कुदाल के साथ उस कुत्ते का सिर काट दिया। फिर उसके बाद उन दोनों ने उसी जगह पर एक गड्ढा बनाया और उसमें कुत्ते के शव को दफना दिया। जब कुत्ते के मालिक को अपने कुत्ते की मृत्यु के बारे में सूचना मिली तो वह बहुत दुखी हुआ और उसी देवदार के पेड़ के नीचे गया और उसके लिए विलाप किया जैसे कि वह उसका खुद का बच्चा था। उसके बाद उसने जमीन पर कुछ बांस के डंडे गाड़ दिए और वहां पर कुछ भोजन और एक कप पानी भी रख दिया और धूप की गई महंगी लकड़ियों को जलाया। इस प्रकार उसने अपने पालतू जानवर के ऊपर एक बहुत बड़ा शोक जताया और उसे कई प्यारे प्यारे नामों से भी पुकारा जैसे कि वह अभी भी जिंदा हो। उसी रात कुत्ते की आत्मा उसे सपने में दिखाई दी और कहा कि मेरी कब्र के ऊपर देवदार के पेड़ को काटो और इससे अपने चावल की पेस्ट्री के लिए एक कटोरा और अपने बीन सॉस के लिए चक्की बनाओ। तो बूढ़े आदमी ने पेड़ को काट दिया और ट्रंक के बीच में से लगभग 2 फीट लंबा एक हिस्सा काट दिया। कड़ी मेहनत के साथ उसने छेनी और आग की मदद से उसे खोखले छेद का एक कटोरे जितना बड़ा आकार दे दिया। फिर उसने लकड़ी का एक लंबा हथौड़ा बनाया जैसे कि चावल को मसलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जब नए साल का समय नज़दीक आया तो उसने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। जब उसने चावल को उबाल लिया तो उसने उसे कटोरे में डाल दिया। फिर बूढ़ी औरत ने हथौड़े से कूट कूट कर उसे गूंदा हुआ आटा जैसा बना दिया। जैसे ही पेस्ट्री पकने के लिए तैयार थी, वह सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ से चक्की उठाई और उसमें बीन सॉस डालकर पीसना शुरू किया तो सोने की बारिश सी होने लग गई। दुष्ट दंपति ने ये सब खिड़की से झांक कर देख लिया तो वह बहुत हैरान थे, क्योंकि चक्की में सोयाबीन के बजाय सोने के सिक्के टपक रहे थे और चक्की के नीचे का टब सोने की चमकदार सिक्कों से भर गया था। अब बूढ़े दंपति और भी अमीर बन गए थे। अगले दिन कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आए और उनसे कटोरा और जादू की चक्की उधार मांग ली। इसके बाद उन्होंने कटोरे को उबले हुए चावल और चक्की को बीन से भर दिया। फिर बूढ़ा आदमी खिलखिलाने लगा और बूढ़ी औरत से उसे पीसने के लिए कहा, लेकिन उनकी पीसी हुई पेस्ट्री और सॉस कीड़े के ढेर में बदल गई। यह देखकर दुष्ट पड़ोसी बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने चक्की के टुकड़े टुकड़े करके उसे जलाने की लकड़ी बना दिया। अब आगे पार्ट टू में देखेंगे कि क्या होता है। लंबे समय के बाद उस अच्छे बूढ़े आदमी ने फिर से एक सपना देखा और कुत्ते की आत्मा ने उससे बात की और उसे बताया कि उन दुष्ट लोगों ने देवदार पेड़ से बनी चक्की को जला दिया है। कुत्ते ने आगे कहा कि वे उस चक्की की राख को सूखे हुए पेड़ के ऊपर छिड़क दें तो फिर से वे हरे भरे हो जाएंगे। अब बूढ़ा आदमी उठता है और उस दुष्ट पड़ोसी के घर पर जाता है, जहां वह देखता है कि उदास बूढ़े दंपति फर्श के बीच में बैठे हुए हैं और धूम्रपान कर रहे हैं और चक्की के कुछ टुकड़ों को जला रहे हैं, जिससे वे अपने हाथ पांव सेक रहे हैं। फिर अच्छे बूढ़े आदमी ने उनसे प्यार से रिक्वेस्ट की और राख मांगी, लेकिन दुष्ट दंपति ने उनसे बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे डांटा भी, मानो जैसे कि वह एक चोर है। बाद में उन्होंने उसे एक टोकरे में राख भरने को भी दिया। घर आने पर बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। सर्दी के मौसम में उनके बगीचे में एक पसंदीदा चेरी का पेड़ मुरझाया हुआ था। बूढ़े आदमी ने उसमें एक चुटकी भर राख छिड़क दिया, जिसके बाद पेड़ में गुलाबी फूल खिलने लगते हैं और इसकी खुशबू हवा में चारों ओर फैल गई और पूरी हवा को सुगंधित कर दिया। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं। दुष्ट दंपति ने भी ये कहानी सुनी और चक्की की बची हुई राख को इकट्ठा करके उन्हें मुरझाए हुए पेड़ों को खिलने के लिए रख दिया। अब अच्छे बूढ़े आदमी को पता चलता है कि उसका बूढ़ा जमींदार गांव के पास से गुजरने वाला है। वह राख की टोकरी को लेकर अपनी मालिक की एक झलक पाने के लिए बाहर आता है। जैसे ही जुलूस पास आया, वह एक पुराने मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया, जो कि रास्ते के किनारे पर था। अब उन दिनों डैमियोस जमींदारों में यह प्रथा थी कि जब उनके स्वामी निकलते थे तो सभी वफादार लोग उनके सम्मान में अपनी ऊंची खिड़कियां बंद कर देते थे, ताकि वह अपने मालिक को ऊपर से नीचे की तरफ ना देख सके। सड़क के किनारे के सभी लोग अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ जाया करते थे, जब तक कि वहां से वह जुलूस नहीं गुजरता था। फिर अचानक शाही गाड़ी में बैठे नेता की नज़र पेड़ पर चढ़े बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जिससे वह क्रोधित आवाज में उसे बाहर बुलाने ही वाला था, लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी था और उसकी उम्र की वजह से वह उससे कुछ नहीं कह पाता। जब डैमियो की शाही गाड़ी पास आ जाती है तो बूढ़ा आदमी अपनी टोकरी में से एक चुटकी राख निकालकर उस पेड़ पर बिखेर देता है और वह सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और उसमें से फूल बरसने लग जाते हैं। जमींदार यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और जुलूस को रोकने का आदेश देता है। फिर वह उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाकर उसे धन्यवाद देता है और उसे रेशम के वस्त्र, स्पॉन्ज केक, पंखे और अन्य पुरस्कार देने का आदेश देता है। फिर वह अच्छा बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ खुशी मनाने के लिए घर पर जाता है। इसके बाद लालची पड़ोसी ने भी ये कहानी सुनी
तो उन्होंने भी जादू की राख ली और सड़क पर निकल गए। वहाँ पर उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक डैमियों का जुलूस वहाँ पर नहीं पहुँच गया। लेकिन एक भीड़ की तरह घुटने टेकने की बजाय वह एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ जाता है और डैमियों लगभग सीधे उसी पेड़ के नीचे से गुजर रहा होता है तो वह मुट्ठी भर राख पेड़ के ऊपर फेंक देता है जो बिल्कुल भी नहीं बदलता, बल्कि हवा से राख की बारीक धूल डैमियों और उसकी पत्नी की नाक और आंखों में चली जाती है जिससे उन्हें छींके और सांस में घुटन जैसी तकलीफें होने लगती हैं। बूढ़े आदमी के इस हरकत ने जुलूस के सारे धूमधाम को खराब कर दिया था। जुलूस में से ही एक आदमी जिसका काम होता है लोगों को घुटनों के बल बैठाना, वह उस मूर्ख बूढ़े को कॉलर से पकड़कर उसे पेड़ से नीचे खींचता है और उसकी राख की टोकरी को सड़क से उठाकर गहरे गड्ढे में फेंक देते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हुए उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह दुष्ट आदमी की कीचड़ में पड़े पड़े मौत हो जाती है। लेकिन कुत्ते का दयालु दोस्त और उसकी पत्नी खुशी और भाग्यशाली तरीके से अपने आगे के जीवन को जीते हैं। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।